है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर निया शर्मा 1996। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे पापा आए हैं अपनी छोटी बहन के वहाँ, यानी कि मैं आई हूँ छोटी बुआ जी के वहाँ सभी लोग। और इससे पहले हम अपनी मंझली बुआ जी के वहाँ गए थे, वहाँ का मैंने कुछ सूट नहीं करा। और यहाँ छोटी बुआ जी के वहाँ आए थे, भाभी को बुलाया था बुआ जी ने, तो हम लोग आए थे। तो गाइस वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो लेटी हुई थी, फिर चलिए वीडियो एंजॉय करिए आप लोग। गाइज मैं इस डॉगी से बच बच के कहाँ से निकल रही हूँ आप लोग देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये ना कपड़े पकड़ पकड़ के खींच रहा था, काट रहा था अपने दांतों से, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर सभी लोग यहाँ पे बैठे बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो हमने और अनिका को सबको मैंने खाना खिला दिया था बुआ जी ने। और फिर पापा और फूफा जी खा रहे हैं, और फिर बुआ जी मम्मी और भाभी सभी लोग खाएंगे, बाकी हम पूजा सभी लोग खा चुके थे। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं फूफा जी और ये सब भाई हैं हमारे बुआ जी के लड़के, और छोटू से तो आप मिल ही चुके हो, और ये हैं निखिल। और पूजा उधर खड़ी हैं, भाभी दूसरे वाले रूम में बैठी हैं, और बुआ जी अंदर पूड़ी बना रही थी, ये रहा छोटू। और हम लोग अब यहाँ से खाने के बाद निकल जाएंगे घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और ये डॉगी ने इतना परेशान करके रखा था ना कि पूछो नहीं, बहुत ज़्यादा। गाइस फिर छोटू ने एक सॉन्ग सुनाया है, तो आप लोग प्लीज़ सुनिए और इन्जॉय करिए सॉन्ग को, और बताना कमेंट में कि कैसा गाया उसने। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना। बिन तेरे कहाँ है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। तो गाइस फिर हम लोग जा रहे हैं बुआ जी के घर से अपने घर, और यहाँ पे सभी लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और भाभी पैर छू रही थी बुआ जी के, फूफा जी के पैर छू रही हैं अंदर, और हम निकल आए घर के बाहर। रात काफ़ी हो गई थी, और डॉगी देख लो छोटू की गोद में है और बहुत ही ज़्यादा शरारती है, क्योंकि वो कपड़ा काटता है ना, इसलिए मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये है मेरी बुआ जी का घर। और रात के हो गए थे 9:30 पे हम लोग निकले हैं, 10:30 पे अपने घर पहुँचे हैं। और चलिए फिर घर पहुँच के फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए,
और सभी लोग आ गए हैं इस वाली गली में, और यहीं पे बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। और कैसा लगा ब्लॉग का प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आगे हाँ, आपको गोल्ड का जो बुआ जी ने भाभी को दिया है वो भी देखने को मिलेगा इसी वीडियो में, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और फिर मिलते हैं आपको घर पहुँचने के बाद गाइज। तो गाइज हम लोग आ गए हैं घर, बस अभी पहुँचे, रात के हो गए हैं 10:30 हो गया है। बहुत परेशान हो गए हैं, कल अधिका कह रही बहुत लेट से उठूंगी, तो बहुत ज्यादा गए हैं थक। और आप करेंगे कपड़े चेंज और अनिका के करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों को कल। तो तब तक के लिए गुड नाइट अनिका, बाय। फिर रात में हम लोग पहुँचे थे तो बिल्कुल भी कुछ बात करने का मन नहीं था। फिर हम लोग दोपहर में बना रहे थे, नेक्स्ट डे बना रहे थे, चिले बन रहे थे बेसन के। भाई को भूख लगी थी तो भाई ने बोला कि बेसन के चिले बनाओ, तो भाभी बनाने जा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। तो मुझसे फट रहा था, पता नहीं क्यों, दो मैंने बनाए दोनों फट गए। तो ये बैटर जो ना भाभी ने तैयार करा था, इसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च और हींग, जीरा, नमक, इतना भाभी ने सब कुछ ऐड करके ये बैटर तैयार किया था और मैंने बनाया था यहाँ पे। तो दूसरा चिल्ला तो अच्छा बन गया, लेकिन मैंने ऐसे किया तो ये फट गया। मैं चाहती तो एडिटिंग कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं करा कि हाँ मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने कस के उसको ऐसे रगड़ दिया ना इस वजह से। तो फिर दो मेरे चिल्ले ख़राब हुए थे, लेकिन मैंने हारी नहीं मानी। मैंने कहा नहीं मैं बनाऊंगी, बनेगा तो है ही है ना, कभी ना कभी तो अच्छा बनता ही है। तो ये वाला मेरा बहुत ही परफेक्ट बना था एकदम से, और खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि भाभी को गोल्ड में क्या मिला है। एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइस मॉर्निंग का हो गया है अभी 8:30-9:30, और लो टाइसन मम्मी भौंक रहे हैं। तो अभी बस चाय पिया है मैंने, और आज बनी थी लौकी की पकौड़ी, वो खाई है, और थोड़ा सा वीडियो शूट करना था तो हमें कुछ आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने अभी सुबह ही सुबह मैं बैठ गई वीडियो शूट करने के लिए। तो हम जैसे गए थे बुआ जी के वहाँ, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत वहाँ का मैंने शूट किया था, ज़्यादा तो कुछ नहीं शूट किया था, लेकिन जितना भी करा था मैं आप लोगों के साथ में वो तो दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइज मतलब बुआ जी के वहाँ भाभी पहली बार गई थी, जैसे आप लोगों को पता है शादी के बाद पहली बार बुआ के वहाँ गई, यानी कि बुआ सास के वहाँ भाभी हमारी। तो उनको क्या मिला है वहाँ पे वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं भी बाबू के जाने के बाद पिछले 2 साल बाद बुआ जी के वहाँ मैं भी गई थी, और एक बार बाबू के साथ में मैं गई हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ। और आज उसी दिन गई थी जिस दिन मैं नैमिस गई हूँ, तो उसी दिन बुआ का रास्ते में ही घर पड़ता है, तो हम लोग बुआ जी के वहाँ भी गए थे और भाभी को बुलाया था खास करके, तो इसलिए गए थे। तो बाबू के जाने के बाद हम गए, 2 साल बाद बाबू के साथ ही गए थे, और भाभी पहली बार गई थी अपनी बुआ सास के वहाँ, तो उनको मिला है गिफ्ट। तो गिफ्ट में क्या है, गोल्ड में है, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये रहा इस वाले, ऐसे इसमें मिला हुआ है, तो इसके अंदर क्या है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं, तो बने रहिए। तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल, क्या करूं मैं क्या ना करूं है मुश्किल, अब तो अकेले जिया जाए ना। ये रहा इसमें है, तो इसके अंदर है, मैं वो आपको दिखाती हूँ क्या है। गाइस इस डिब्बी के अंदर, छोटी सी डिब्बी के अंदर है, तो इसके अंदर है नोज रिंग, ये रही। तो ये है गाइस, पता नहीं क्यों दिखता क्यों नहीं है, बिल्कुल कैमरे के पास लेके जाओ।
तो ये रही गाइस नोज रिंग। तो ये इसमें नग रखे हुए हैं, तो दो नग हैं और दोनों एक ही कलर के हैं और एक नीचे वाइट कलर का दिया हुआ है। और पता नहीं क्यों कैमरे में ये कैप्चर ही नहीं हो रहा है। मैं आपको इसमें पहन के दिखाती हूँ। अब हो गया। तो ये है नोज रिंग जो मेरी भाभी को मिली है बुआ की तरफ से। पता नहीं क्यों दिखता ही नहीं है। तो ये है गाइस, दिखा आप लोगों को। तो ये इसमें नग रखे हुए मैं बता दूं आपको, और ये गोल्ड में है और बहुत ही प्यारी है नोज रिंग। और भाभी पहनेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उन पे कैसी लग रही है। तो आज तो नहीं, फिर वो जिस दिन पहनेंगी उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखा आप लोगों ने, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, और भाभी पहनेगी तो उन पे अच्छी लगेगी। तो फिर यही दिखाना था आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी और आज का ब्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और अपना सपोर्ट और अपना बनाए रखिए मेरे भी वीडियोज़ पे। और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी मेरे ब्लॉग लगते हैं और कैसे कैसे मुझे ब्लॉग बनाने चाहिए। और अभी टाइसन इतना भौंक रहा है कि बोलना इतना मुश्किल कर रहा है, जितना मैं बोल रही हूँ उतना ऊपर से वो भौंक रहा है। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का भी ब्लॉग अच्छा लगा हो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।